Bismillah ar-Rahman rahim Assalamu alaikum. My name is Yamna Wasim, and today I'm here with another episode of Fire Behind the Smoke, which is presented by Counterpoint, an initiative by Al-Wasila Trust. Counterpoint, it's trying its very best to create awareness regarding substance abuse, LGBTQ activism, atheism, and domestic violence. So please support us and keep liking. And for today, we have a very special guest with us, the face of FitElect, Fahad Bai. He believes in holistic fitness and not only physical fitness. So let's just start with co uh, the conversation with him and let's welcome him to the show. Assalamualaikum Fahad Bai. How, How are, are you? Islam. Thank you so much for your time. You're so. Welcome. How is it going? When we talk about substance abuse, when we talk about physical fitness and mental health, what do you think is the most common reason uh, mm -hmm. that our youth is going towards substance abuse and they're picking these kind of um, escapes? अगर मैं एक शब्द बोलूँ सिर्फ़ एक शब्द का आंसर और इसके बाद ट्राई करूँ कि और कुछ ना बोलूँ और ये सफ़ाईस कर दे, तो वो है पेरेंटिंग। मेरे लिए पेरेंटिंग जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है और इट्स इट्स अन इन ऑल इन गेम जिसकी वजह से ये सब्सटेंस अब्यूज़ जिसकी वजह से एल जी बी के इशूज़ जिसकी वजह से सब्सटेंस अब्यूज़ के अलावा जो आपने सारी जिक्र किया ये सब कुछ शुरू होता है होता है क्या है कि हम जब भी बात करते हैं अगर मैं फॉर एग्जांपल फिजिकल फिटनेस के एंगल से आऊं तो फिजिकली फिटनेस होने के लिए आदमी को सबसे पहले मेंटली फिट होना जरूरी है अल्लाह ताला ने किसी वजह से खोपड़ी सबसे ऊपर लगाई है उसके नीचे पूरा जिसम लगाया है सही है और आपके न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी जिस तरह काम करती है जिस तरह आपके न्यूरस फायरअप होते हैं बॉडी में वो सारे यहाँ से लेकर पूरे आपकी बॉडी में काम करते हैं तो अगर आपके दिमाग में ही कुछ ऐसा चल रहा है जिसने आपकी लाइफ बर्बाद की हुई है जिसने आपकी सोचों को कहीं और लगाया हुआ है तो आप कुछ भी कर लें दुनिया के बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट हायर कर लें दुनिया के बेहतरीन ट्रेनर को आप यू एस से बुला लें आप पैसा लगा दें लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी फ़िज़िकल फिटनेस के बारे में तो बहुत दफ़ा क्या होता है कि हम सिम्टम्स को कर रहे होते हैं एड्रेस कर रहे होते हैं हम बेसिकली जो रीज़न होता है उसको एड्रेस नहीं कर रहे होते सबसे सब यूज़ का जहाँ तक ताल्लुक है जितने फॉर एग्जांपल मेरा ग्यारह साल का बेटा है आठ साल की बेटी है माशाल्लाह और मैंने जब बेसिकली एक मेरी पेरेंटिंग और अपनी पेरेंटिंग जो जिस तरह मेरे पेरेंट्स ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया जो वर्क एथिक डिवेलप किया मेरे अंदर अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज जो भी हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ कि वह एथिक की वजह से हूँ और मेरे फादर मुश्किल से मैट्रिक पास भी नहीं है मेरी मदर ने मुश्किल से पाँच ही जमात पास की हुई है लेकिन उनका जो वर्क एथिक है वो उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो भी बेचारे ऐसी कर गए जो उनके ज़माने में उनको नहीं पता थी कि वो रॉन्ग जा रही हैं सही है अब एज अ पेरेंट मॉडर्न पेरेंट्स का काम ये है कि जो उन्होंने चीज़ें देखी थी कि यार ये रॉन्ग प्रैक्टिस थी इसको सही कैसे कर सकते हैं ये मॉडर्न पेरेंट्स का काम है लेकिन सैडली मॉडर्न पेरेंट्स भी वो नहीं कर रहे है जो उनको करना चाहिए बहुत दफ़ा मैं आज लोगों को देखता हूँ कि उसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी अगर एक टेस्ट में मेरा बेटा फेल हुआ ठीक है आ, ग्रेड थ्री में था तो मिड मिड ईयर में फ़ेल हुआ तो अगर मेरे अब हम आ, मैं अपने पास पे जाऊं तो खून निकालते हैं मार मार के ना मतलब बर्दाश्त नहीं हो सकता था लेकिन मेरे दौर में मुझे ये पता है कि यार स्कूल इतना मैटर नहीं करेगा जितनी इसकी स्किल डेवलपमेंट मैटर करेगी और जितना इसका माइंडसेट मैटर करेगा क्योंकि मैंने अपने इर्ग गिर्द अपने कजन्स में अपने दोस्तों में ऐसे लोग देखे हैं जिन पर लेबल लग गया था फेल होने के बाद फेलियर का और वो बेचारे फिर एक दफ़ा नहीं फिर दस दफ़ा फेल हुए फिर उनके जहन में आज तक वो लेबल चल रहा है कि मैं फेलियर हूँ बिकॉज फेलिंग इज़ एन इवेंट नॉट ए पर्सनैलिटी ये चीज़ मैंने अपने फादर से सीखी और अपने फादर के दोस्तों से और अपने दोस्तों के फादर से सीखी कि यार कहाँ हमें थोड़ा सा बैकफुट पे आके सोचना है और बच्चों के साथ लग के करना है कि नहीं यार वी आर विद यू कोई मसला नहीं एक दफ़ा फेल होगा नाउ यू कैन पास लेकिन फेलियर हो तुम तो, ये बर्बाद कर देता है आदमी को और ये आज तक लोगों के साथ चल रहा है एक चीज़ होती है लेबलिंग जिसकी वजह से फिर बंदा जब इनसफिशेंट फील करता है फिर वो जब एक क्लास में फेल हुआ फिर फे फेलियर का टैग लग गया फिर उसके बाद स्कूल में अलग वो बुली हो रहा है डेफ़िनेटली सबसे सभी उस पर जाएगा जब वो देखें जब आप घर जाते हैं ना तो आप यू डोंट गो टू अ प्लेस यू गो यू गो टू पीपल हु कैन एक्चुअली मेक यू कंफर्टेबल लेकिन जब बंदे को कंफर्ट घर में ही नहीं मिलेगा माँ बाप से नहीं मिलेगा बहन भाइयों से नहीं मिलेगा तो ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं दूसरी चीज़ घर के अंदर ही कंपेरिजन स्टार्ट हो जाता है सिबलिंग राइवलरी स्टार्ट हो जाती है जो आगे जाके बहुत ज़्यादा परवान चढ़ती है जिसकी वजह से है बहुत ज़्यादा एक्सीडिंग ईशूज शुरू हो जाते हैं बहुत आगे जाके पता चलते हैं कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है दूसरा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है एक को लेबल किया जा रहा है एक को ब्राइट लेबल किया जा रहा है एक को डल लेबल किया जा रहा है तो ये लेबल्स आगे जाके जा बेसिकली सिबलिंग रेवलरी में भी शुमार, शुमार होते हैं बिल्कुल डेफिनेटली और उसकी वजह से भी बहुत ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत दफ़ा पेरेंट्स को नहीं पता होती हैं तो अच्छा क्योंकि पेरेंट्स से बच्चे सीख रहे होते हैं आप उनको बता नहीं रहे होते हैं, वो खुद ब खुद पिक कर रहे होते हैं चीजों को वो ऑब्जर्व कर, कर रहे होते हैं बिल्कुल फॉर बिल्कुल अभी आ, मैंने एक बुक उठा के पढ़ना शुरू किया हाउ टू रेज ऑनट्रपिनोरियल किड्स दैट वॉज मतलब वेरी गुड टाइटल टू मी मैंने कहा यार ये चीज पढ़नी जरूरी है क्योंकि अगर ऑन्ट्रप्रोरियल स्किल्स की बात की जाए ना तो उसमें बड़ा खूबसूरत एक बात लिखी हुई थी कि में जो, नहीं, दुनिया में जो करती न, नहीं आ रही अथॉरिटी को क्वेश्चन करना टीचर को क्वेश्चन नहीं कर सकते आप क्लास से बाहर निकाल दिए जाओगे वाय तो कर ही नहीं सकते चाहे वो टीचर हो चाहे वो पेरेंट्स हो ना तो कर सकते किसका काम है फिर क्योंकि हम तो स्कूल भेज दिया वर्क प्लेस पे भेज दिया वाई क्वेश्चन नहीं करेगा बच्चे तो क्या करेगा उस ऑनट्रप्रेनोरल स्किल्स डेवलप होंगी ही नहीं बिल्कुल तो अगर वो आप उसकी जो फंडामेंटल चीज़ों को स्टॉप करना शुरू कर दोगे कहीं ना कहीं वो फिट इन होना चाहेगा सही है अब ये चीज़ें जाहिर है मैं भी भूली होता था अपने दौर में जब मेरे बेटे के साथ इस तरह की चीज़ होती है मैं उसको बिठा के समझाता हूँ देखो बेटा ऐसे है ऐसे है कैसे फिट इन नहीं होना है आप क्यों अच्छा जा रहे हो अगर आप फिट इन नहीं हो रहे हो कैसे जेलिसी प्रोड्यूस होती है मैं आपके साथ कैसे हूँ आप मेरे पास आ सकते हो बात कर सकते हो मैंने उससे उसको कहा कि बेटा साइकोलॉजी समझो जो भी चीज़ समझ में ना आए तुम मुझसे दोस्तों यारों की तरह बात कर कोई मसला नहीं है अभी कुछ दिन पहले उसने ऐसी कंधे पे हाथ रख लिया था मेरे पास मार्केट में खड़ा हुआ था तो मैंने मैंने उसको समझाया कहा बेटा पब्लिक में नहीं किया कर घर पे कर लिया करो <laughs> सही <समझागा। laughs> नहीं क्योंकि वी वर्क डेवलप करना जरूरी है आपको बैलेंस स्ट्राइक करना जरूरी है तो उसको समझ में आया अच्छा ठीक है तो मैंने कहा देखो घर के चार दीवारी में आई एम योर फ्रेंड लेकिन बाहर कुछ ऐसी चीजें दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ कुछ दिन पहले मेरा बेटा गया खिलौने लेने मेरी वाइफ उनके साथ ही उन्होंने बजट रखा हुआ था उनका कि यार ये तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट है तो ये तीन हज़ार रुपये से ज़्यादा वो नहीं आएगा अब वो वो यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं कुछ देखते हैं तो एक बड़ी ट्रेंडिंग गन थी उसमें कि ये गन लेनी है मुझे हम दुकान में पहुँचे तो बेटा फ्री हो गया कि यार ये गन चाहिए अब वो साढ़े पाँच हज़ार उसने साढ़े छः हज़ार की बतानी शुरू की तो बेगम ने उसको आंखें दिखाई कि नहीं लेकिन मेरा बेटा फ्लैट हो चुका था ना तो अब वो उसके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी कहीं ना कहीं करके हमने तीन हज़ार पाँच सौ तीन हज़ार आठ सौ में उसको वो करवा के उसको दिलाया और गाड़ी बैठे गाड़ी में बेगम जो शुरू हुई मेरे बच्चे पे वो मैं सिर्फ सुनता रहा क्या हो रहा है क्या हो रहा है घर पहुँच के मैंने फिर उसको बिठाया मैंने कहा सुन ली मां से गालियाँ तो हाँ ये हो गया ऐसे हो गया इतनी जबरदस्त गने ट्रेंडिंग गने समझती नहीं ये नहीं है मैंने कहा अब मैं तुझे समझाता हूँ मसला क्या है मैंने समझाया साइकोलॉजी नाम की एक चीज़ होती है जब आपको एक चीज पता चल गई ना सामने वालों के सामने वाले ने आपकी नज़र में वो चमक देख ली इस तरह बिजनेस काम करता है डिस्क्रिमिनेट कर लिया ना उसने आपको हाँ, हाँ, इस तरह कस्टमर घेरा जाता है तो इफ यू वांट टू डू बिजनेस इफ यू वांट टू सेल समथिंग यू नीड टू सी दैट चमक इन योर कस्टमर साइज इन योर क्लाइंट साइज ये चीज़ हमारे अब्बा ने कभी नहीं समझाई थी ये चीज़ हमें कोई नहीं समझाता था ये चीज़ ज़िंदगी ने हमें समझाई है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चों को बिल्कुल इस तरह ट्रीट करें फिर मैंने उसको साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस का बताया मैंने कहा अगर तुम उसके बिल्कुल कैजुअल प्ले करते ना कि हाँ ये भी देख लूँ ये भी देख लूँ ये भी देख लूँ खैर कोई मसला नहीं है तो वो इतना लटकता नहीं उन चीज़ों पर कि नहीं देखें ये तो ट्रेंडिंग आने बच्चों को पसंद आ रही है ऐसा वैसा उस मतलब मेरी बेगम ने हद दर्जा कोशिश की निगोशिएट करने की लेकिन वो नीचे नहीं आया क्योंकि बच्चा घर चुका था yes, तो कहीं ना कहीं फिर आखिर में जब उसने कहा कि ठीक है हां, इतने में दे दें तो मैंने कहा अब तुम देखो छह हजार साढ़े छह हजार से साढ़े तीन हजार में मान गया तीन हजार का उसने प्रॉफिट छोड़ दिया इसका मतलब अभी भी वो फिफ्टी प्रॉफिट कर रहा होगा कम्फर्ट जोन में था तो तुम सोचो कि तुम उसको कितना प्रॉफिट दे जा रहे थे दिस दिस इज 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 हाउ हाउ द बिजनेस डन आर

हमें ये भी बात समझ में आ गई कि जिस तरह से हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत की है हमें उसे थोड़ा सा यू टर्न लेना पड़ेगा कीपिंग द वैल्यूज़ इंटैक्ट कि अब बच्चों को थोड़ा दोस्त की तरफ लेके आना पड़ेगा बट देन यू डू नॉट थिंक के जो ये हम दोस्त बना रहे हैं तो ये जो एक बड़ा होता है ना सिख लव वाला कॉन्सेप्ट कि यार नहीं दोस्त है कहाँ जाएगा चलो मेरे सामने ही तो कर रहा है कोई मसला नहीं दोस्तों में तो नहीं जा रहा ना एटलीस्ट घर से बाहर तो नहीं ड्रग्स कर रहा जो भी है मेरी आंखों के सामने ही हो रहा है सो हाउ डू यू थिंक मदर्स स्पेशली इधर किस तरह का रोल प्ले करती हैं और सिख लव का सब्सटेंस सब उसी कॉन्ट्रीब्यूशन में कितना बड़ा रोल है बड़ा अच्छा सवाल किया आपने और ये ऐसा पॉइंट है कि सिख लव वाली बात जो आपने की ना अभी कुछ दिन पहले मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ Uh, हम लोग जा रहे थे एक जगह पे बेगम की अपॉइंटमेंट थी तो रास्ते में एक बच्चा आया वो बेच रहा था चिड़िया वो उसमें कैद थी दो तीन पिंजरे थे तो मेरी बेटी ने जबरदस्ती करना शुरू कर दी कि चाहिए चाहिए मैंने नहीं बेटा अच्छी बात नहीं है इनको कैद करके रखना नहीं नहीं पापा चाहिए चाहिए बेगम ने दिला दो कोई मसला नहीं है तो मैंने अच्छा ठीक है दिलाते हैं मेरे जहन में एक आइडिया आया तो उनको दिला दिया उसके बाद मैंने उसकी थोड़ी ब्रेन वॉशिंग शुरू की मैंने कहा देखो अब आपकी गाड़ी में ये छोटे से पिंजरे में दो चिड़ियाँ हैं बेचारी इधर उधर फुदक रही हैं अब आप इस कार में देखो कितनी बड़ी जगह है अगर हम इनको यहाँ से निकाल दें इस कार में कितना घूम सकती हैं अब इस कार से निकाल दो तो कितनी बड़ी दुनिया है उनके पास दे आर मैन टू फ्लाई अब हाई इन द स्काई आपने उसको वो कर लिया मैंने कहा आप सोचो कि तुम्हें मैं मैं कल स्कूल ना भेजूँ कि नहीं तुम्हें मसला हो जाएगा तुम्हें बच्चे मारेंगे या तुम स्कूल से गाड़, तुम्हें गाड़ी टक्कर मार देगी या तुम स्कूल से सीढ़ियों से गिर जाओगी नहीं आई एम प्रोटेक्टिंग यू ठीक है नहीं उसने सवाल किया मुझसे कि पापा बाहर निकल के भी तो उनको खा जाएंगे लोग मतलब बाहर निकल के तो इनके लिए डेंजरस है जिस तरह बच्चों की प्रोग्रामिंग होती है कि कोई परिंदा खा जाएगा तो मैंने कहा इस तरह तो आपको भी बहुत सारे डेंजर हैं फिर भी मैं आपको लेट गो करता हूं ना आपको स्कूल जाने देता हूँ दोस्तों से मिलने देता हूँ क्योंकि आप दुनिया के बारे में सीखो बिकॉज यूर मैट टू लिव लाइक दिस ना तो इसी तरह दे आर मैंट टू लिव तो आप एक काम करना अब आपकी मर्जी है कि आपको कैसा लगे अच्छा लगे तो उनको उड़ा देना अगर समझ में आ गई फिर वो घर पे आई मैंने उसे पूछा क्या सोचा है तो बोलती है कि थोड़ी देर में उड़ाते हैं न ठीक है फिर मैंने उसकी वीडियो बनाई और उसको दिखाई कि देखो कितने जबरदस्त तरीके से आपने उसको आज़ाद किया हाउ तो आप जिस तरह फ्री फील करते हो ना उस तरह ये करती है तो इस तरह उसको ये मैसेज दिया कि जब भी आप किसी से प्यार करते हो ना जब मोहब्बत करते हो तो वो आप उसको एसोसिएट करते हो उसकी आज़ादी उसकी डिवेलपमेंट से असल लव तो यही है ना ये सिक लव जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है कि आप इतना भी प्रोटेक्टिव ना हो जाओ आजकल लोग सोशल मीडिया से दूर भगा रहे हैं बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने सोशल मीडिया से दूर भगा दिया तो मेटावर्स के दौर में वो क्या करेंगे जहाँ दुनिया जा रही है Absolutely. जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब से पॉडकास्ट हुई थी मैंने उनसे पूछा था कि मुताले का क्यों इतनी कमी होती जा रही है उन्होंने कहा देखें आप अगर कह रहे हैं सोशल मीडिया सोशल मीडिया का टाइम रखें वरना तो आप डाक डाके में चले जाएंगे बिल्कुल जिस तरह चीज़ें डेवलप हो रही हैं लेकिन उसका यूजेज मैटर करता है कि आप किस तरह यूज़ कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ट्रेनिंग के लिए फिर फोटी फाइव ईयर्स के कॉपोरेट प्रोफेशनल्स भी आते हैं ट्वेंटी ईयर्स के यंगस्टर्स भी आते हैं फोर्टी फाइव ईयर्स के कॉपोरेट प्रोफेशनल्स हैव है मैं कहता हूँ कि वो थक चुके हैं काम कर करके ट्वेंटी ईयर का जो मेरे पास एक बंदा आ रहा है वो घर में बैठ के एवरेज एवरेज छ हजार डॉलर कमा रहा है और वो आराम से तीस चालीस हजार रुपए महीने के दे देता है तीस चालीस हजार की डाइट अफोर्ड कर लेता है घर में नौकर रख लेता है तो आजकल बच्चों के पास इतनी ज्यादा लीवे इतना ज्यादा लेवरेज है कि आपको उनका स्टूडेंट होना जरूरी है मेरे लिए मैं अपने बच्चों से ज्यादा सीखना चाहूंगा इससे बेहतर कि मैं उनको इससे मेरे दो, दो फ़ायदे होंगे एक तो ये बच्चों से बॉन्ड अच्छा होगा दूसरी चीज ये कि फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स में मेरी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी जो कि मैं खुद मेरे पास क्यूरोसिटी भी नहीं है लेकिन जिस तरह मेरा बच्चा घुसेगा ना चीज़ों में और मुझे साथ लगे घुसेगा तो मुझे समझ में आया किसी भी डेवलपमेंट हाँ हो, हो, है। हो, है। हो रही है तो ये बहुत बड़ा सीन है कि सिक लव और मैं ये चाहूंगा कि आप हमेशा एक बॉन्ड क्रिएट करें सिर्फ अपनी डेवलपमेंट के लिए नहीं उसकी डेवलपमेंट के लिए भी जब कहीं जाके सिक लव वाला एलिमेंट पीछे आएगा सही एंड टॉकिंग अबाउट सिक लव हमारे यहाँ तो पॉकेट मनी वाला कल्चर भी है जैसे चले अंग्रेज तो है ना वो तो कहते थे कि भाई अभी तुम सोलह साल के होगा यू आर ऑन योर ओन गो द वे दैट यू वॉन्ट टू हम तो इस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि भाई हमारे ऊपर तो जिम्मेदारी है और दीन की तरफ से भी हमें कहा गया है कि नहीं, आपने अपने बच्चों का यू you नो know, करना है तो हम आ रहे हैं तो पॉकेट मनी कल्चर है और बच्चे अच्छे खासे बड़े बड़े भी हो जाते हैं hmm. हम यूनिवर्सिटीज की फीस भी पे करें पॉकेट मनी भी मिल रही है सब कुछ हो रहा है सो वॉट डू यू थिंक एग्जाम्पल it it देता हूँ लोग काफी बोलते हैं कि यार कोई मसला है मुझे पेरेंट्स में मसला नहीं है मेरे पेरेंट्स ने बहुत कुछ सिखाया है लेकिन यही वो सारी चीजें जो हमें एज पेरेंट्स ठीक कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ मेरे पेरेंट्स ने नहीं मैं किसी और पेरेंट्स की एग्जाम्पल तो उसे बेहतर एक दफा शुरू शुरू में जब मैं थ्री फोर्थ क्लास में था सौदा लेने मुझे भेजा गया कि भाई दही आओ दूध ले आओ ये ले आओ वो ले आओ तो आई बटर फिंगर्स तो मैं एक दफ़ा दो दफ़ा दही भेज दी तो उसके बाद अब बनेगा नहीं इससे सौदा नहीं मंगवाना hmm. ये आ, इस इसके हाथ काबू में नहीं रहते एक लेबल लगा दिया कि ये ढीला आदमी है hmm. सही है अब वो आप यकीन करें अभी रिसेंटली आई लिव सेपरेट नाउ क्योंकि जो मेरे भाई बहन हैं वो अनमेरिड हैं तो वो उनके साथ रहते हैं और मैं एक राउंड अबाउट दूर रहता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी हो गई आई नी सेपरेट स्पेस तो हम लोग ईद पे खाना खाने गए हुए थे वहाँ पे ईद पे दावत थी जाहिर है एक फैन फेयर का मोमेंट था तो चावल की बहुत बड़ी पतीली रखी हुई थी जो चूल्हे से उठा के दसर खान पर रखनी थी तो मेरे अम्मा ने कह कहती बेटा ये रख दो तो मेरे अब्बा हंसते हुए बोले अरे इनसे कहाँ कह दिया ये गिरा देंगे छोड़ो छोड़ो नहीं नहीं मैं ले जाऊँगा सही मेरी बेगम खड़ी पीछे हंस रही थी क्योंकि उसको पता था कि वो क्या है क्योंकि ज़ाहिर दस साल से वो देख रही है उनका एटीट्यूड देख रही है क्योंकि वो ले आज तक नहीं हटा सही अल्लाह का शुक्र है ही इज़ वेरी मच प्राउड ऑफ मी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ही इज़ वेरी मच हैप्पी वेयर आई एम नाउ और जो कुछ भी उनकी वजह से हो लेकिन वो एक चीज़ जो है ना एक चीज़ आज तक नहीं धुली ना वो धुल सकते क्योंकि बच, बच्चे पेरेंट्स की नज़र में सौ साल के भी हो जाएंगे ना बच्चे ही रहेंगे मैं घर सम्भालू मैं कंपनी संभालू मैं बिज़नेस बिल्ड करूँ कुछ भी करूँ लेकिन एक चीज़ है जो है वहाँ है हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम और ये पुराने वाले ज़्यादातर ऐसे हैं अभी भी हैं मेरी एक कुलीग हैं जिनकी तलाक सिर्फ इस वजह से हुई है कि उनके मियाँ जो हैं वो ख़ानदान में बुली होते थे

तो कह रहे नहीं मुझे स्टाइल अच्छा लगता है थोड़ा सा ना तो मैंने कहा बेटा स्टाइल तो अच्छा लगता है लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त पिए तो तुम पियोगे बोले नहीं आपने नहीं पी तो मैं क्यों पीऊँ मैंने कहा नहीं तो मेरे ना पीने से क्या मसला है मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ कि मेरे साथ लोगों ने बैठ के चरस्बी पिया सही है मैं एक ही गाड़ी में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कॉपोरेट्स में काम किया डेफिनेटली हर हर जगह से लोग आते हैं हर किस्म के लोग आते हैं भरी हुई सिगरेट्स पी रहे हैं मैं गाड़ी में बैठा हूँ मेरे साथ चार लोग बैठे हैं वो भरी हुई सिगरेट्स पी रहे हैं मैं इनहेल कर भी रहा हूँ लेकिन मैं नहीं पी रहा उनके साथ बैठे हुए हम लोग तफरियाँ कर रहे हैं बातें कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं तो मैंने कहा वट इज़ दैट मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ बट आई डिसाइडेड नॉट टू डू इट ठीक है इट्स अ चॉइस इट्स अ चॉइस तो आगे जाके आपको ये लगेगा कि आप उनमें फिट इन नहीं हो रहे हो आप उनमें फिट इन होने के लिए वो हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है फिर बहुत दफ़ा मेरा बेटा कहता है कि नहीं है। पापा वो अजीब अजीब सी बातें करते हैं वो गंदी गंदी बातें करते हैं और वो गंदी सोच रखते हैं गंदी गालियाँ देते हैं ये है वो है तो मैंने कहा बेटा एक बात याद रखो गंदगी में रह के अपने आप को आइसोलेट करना सीखो ठीक है क्योंकि आपको मैं प्रोटेक्ट नहीं कर सकता गंदगी से आपको दुनिया प्रोटेक्ट नहीं कर सकती यू हैव टू लिव विद दैट गंदगी एंड लर्न वॉट नॉट टू डूट नॉट टू इसका इसका मैं बहुत बड़ा आ, मैं खुद मिसाल इसलिए हूँ कि मैंने स्ट्रीट स्मार्टनेस जो मेरी जो मैंने पिक करनी शुरू की वो मैंने अपने जॉब लाइफ से शुरू करनी शुरू की mm -hmm. मैंने बड़ा मम्मी डैडी हुआ करता था मैं पहली दफ़ा जब मैं बस में बैठा था तो मैं कॉलेज में बैठा था और पहली दफ़ा आज़ाद हुआ था घर से तो अभी यासिर अकील भाई आप जानते होंगे उनका मैंने पॉडकास्ट किया था उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बताया कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक लड़का आया तो मैंने उसको इंटर्नशिप पर रखा वो लड़का दो दिन बाद तीसरे दिन गायब हो गया तो मैंने उसको फ़ोन किया बेटा क्या हो गया तो कहता है सर वो आपके यहाँ जबान बड़ी गंदी यूज़ की जाती है और बड़ा गंदा माहौल है मैं काम नहीं कर सकता तो उन्होंने कह ठीक है बेटा फिर आप मुशायरे में जाया करो और यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है सेम चीज़ मैंने रिलेट की जब आई बनाए टू मल्टानेशनल एंड नेशनल कंपनीज जहाँ पे सेल्स का एक रिगरस माहौल होता है जहाँ पे आपको ऑर्डर बुकर्स को करना पड़ता है टारगेट्स करना है ये करना, करना है वहाँ जब मैंने ऑर्डर बुकर्स को वो करते हुए देखा तो मैंने कहा यार दुनिया तो बड़ी चेंज है दुनिया जितना सिक्योर की जाती है आपको बताई जाती है तो बहुत चेंज है फ्लोर पर इस तरह काम नहीं होता है जो ब्रांड नजर आ रहा होता है तो उसके नीचे बहुत सारा रेगर चल रहा होता है तो उस रेगर के लिए अगर आप रेडी नहीं है तो आप वहाँ नहीं पहुंचोगे आपको ये हार्ड वर्क करना पड़ेगा जब आप जाके स्मार्ट वर्क पर पहुंचोगे और जो ऑन्टरप्रन किड्स हैं और जो आपने जिस तरह बताया कि मुस्तफ़ा मिर्चा वाला मिर्चा वाला हब हाँ अकाउंटेंसी वो मेरे पास पॉडकास्ट पे थे उन्होंने कहा कि मुझे हम दोनों बहन में सुबह और मुझे बेसिकली हुआ कि हम दस ग्यारह साल के हुए तो हमें ईदी मिली तो कह रहे हैं कि एक, एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने के जो है ना मोहम्मद सोसाइटी वाला वहाँ पे हमें उतार दिया कुछ बोल्टन मार्केट से कुछ आइटम्स दिला के कुछ ज्वेलरी व्यवरी के आइटम्स दिला के हमारी ईदी से और बोला कि इस इलाके में घूमो आधे घंटा है तुम्हारे पास बेच के दिखाओ इसको तो हम दस ग्यारह साल के हमने कहा यार ये अजीब बात कर दी हमारे अब्बा ने क्यों कर दिया ऐसा ऐसा तो नहीं करना चाहिए और ये कोई तरीका होता है तो बोल रहे हैं कि एक दिन लगा दूसरे दिन हमें दोबारा लेकर आए तीसरे दिन लेकर आए फिर तीसरे चौथे दिन बाद ना हम इतना प्रैक्टिस हो गए थे कि मैंने एक डेढ़ की चीज दो में बेच दी थी hmm. तो वहां से मुझे समझ में आया आई कैन डू दिस यार मतलब मैं पचास का प्रॉफिट बना सकता हूँ तो नहीं डाल नहीं डाल सकता। डाल सकता। वही वाली बात है ना की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकता है मेरा बच्चा और स्ट्रीट पे निकल सकता है इस एज में और इसके अगेंस्ट इसके अगेंस्ट मैं दोबारा अपने पेरेंट्स की एग्जाम्पल और अपने कजन की अपने दोस्तों के पेरेंट्स की एग्जाम्पल

Uh, बिहारी कम्युनिटी बोरा कम्युनिटी ये जो बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज हैं जहां पे बिजनेस वैल्यूज़ पहले से सिखाई जाती है ना तो उनका बच्चा जब चौबीस साल या बीस साल की उम्र में एंटर होता है जिनके पेरेंट्स इस बात को नहीं समझते टाइम ही नहीं होता उनके पास कि वो जाके ऐसे ड्रग्स में घुसे भी वो आपने स्पेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भर दिया एक्स्ट्रा पॉकेट मनी इधर उधर उड़ाने के लिए नहीं आपने उनके मनी वैल्यू डेवलप कर रिस्पांसिबिली उनके ना, हाँ। उनकी उनकी हाथ में दे दी मैं आज अपने बेटे से कहता हूँ कि पंद्रह साल तक मैं देख रहा हूँ शायद कुछ पंद्रह साल बाद मैं तुमसे पैसे मांगना शुरू कर दूंगा यस yes. सही है ये कहीं कही ना कहीं मैं उसकी प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ बेटा मुझ पर डिपेंडेंट नहीं रहना क्योंकि जब तक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी डालूंगा नहीं ना हमारे यहाँ मैं कुछ ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनको मैं ट्यूशन पढ़ाता था पंद्रह पंद्रह साल पहले और वो बच्चे आज तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाए क्योंकि उस जमाने में उनकी अम्मा मेरे पास बैठ के सामने बैठ के बोलती थी कि इसको हमने सब कुछ दिया है इसको हम अच्छे अच्छे ब्रांड्स के कपड़े पहनाते हैं इसकी सफारी की फीस इतनी जाती है स्कूल की फीस इतनी जाती है इसके लिए हमने क्या कुछ नहीं किया ये हमें क्या दे रहा है वो छोटा सा बच्चा बेचारा बारह तेरह साल का मैं अपने बेटे को अब देखूँ उस जमाने के बच्चे पढ़ाता था मैं इतनी एज के वो अब बड़ा हो गया वो अभी भी ऐसा है उसकी अम्मा के डायलॉग अभी भी वही हैं आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली नहीं ना उस उसपे तो ये चीजें एक्सपीरियंस मैंने की हैं तो मैं पहले ही डर गया हूँ कि भाई ये तो करना ही नहीं है मुझे तो अपने एहसानात नहीं चने उस पर गिनाने नहीं है मुझे बेसिकली कहना है कि बेटा ये हो गया बस इससे आगे अब आपकी जिम्मेदारी है जितनी जल्दी संभालोगे उतना जल्दी बेहतर है हाउ डू यू थिंक दैट वैन यू आर इन डू ड्रग्स एंड वैन यू आर नॉट इन योर सेंसिस हाउ वुड दैट इम्पैक्ट योर रिलेशनशिप एंड वॉट डू थिंक कि उसका टेन ईयर्स डाउन द लेन ट्वेंटी ईयर्स डाउन द लेन कि चले अब तो बहुत हो गया ना कि लड़कियों को शूर आ गया कि नहीं हम नहीं पिटेंगे hmm. या कुछ भी बट एज ह्यूमन बींग आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वैन यू आर नॉट यू आर डूइंग ड्रग्स एंड यू शुडन बी अच्छे सब्सटेंस अब्यूज से ही ज़्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस स्टार्ट होता है और डोमेस्टिक वायलेंस से फिर दोबारा बच्चे जो हैं सब्सटेंस अब्यूज़ पे जाते हैं एक सिक्लिकल कल्चर हो जाता है yes. एक ना क्योंकि जब बाप घर पर आ रहा है और वो एक अभी रिसेंटली बड़े मशहूर पर्सनैलिटी हैं जो गरीबों गरीबों करते रहते हैं शाहिद अनवर उसकी मैंने एक बंदे की क्लिप देखी थी बहुत दफ़ा मैं लोगों से कहता हूँ कि यार कुछ बातें उसकी ठीक हैं क्योंकि हुआ क्या कि उसने कहा कि गरीब तुम लोग जो हो ना तुम्हारी वजह से तुम्हारी बेग में दूसरे घरों में काम करती हैं ताकि तुम्हारी बेगम आ तुम्हारी वैसे काम करती हैं उनको मेहनत करना पड़ता है क्योंकि तुम सुस्त हो तो वो देख लिया मैंने खैर आई गई बात हो गई अगले दिन घर पर हमारी मेड आई हुई थी काफ़ी रो रही थी खैर मैं तो इतनी बात नहीं करता उनसे बेगम कर रही थी जब वो चली गई तो मैंने पूछा क्या हो गया इनको तो कह रही हैं कि इसके इसका जो मियाँ है ना वो नशे करके आता है रात में उसके साथ जाति करता है बच्चों के साथ मार कूट करता है बेचारी यही कमा रही है पैसे मांग रही थी और रो रही थी क्लिक की वो बात कि वो मर्द ही है ना जिसकी वजह से बेचारी बाहर निकल के काम कर रही है तो शायद गलत क्या बोला भले जैसा भी आदमी कहा कि बहुत दफा ऐसा आदमी ऐसी बात तो आप परस्पेक्टिव डेवलप कर देता है कि यार ये ये बात बिल्कुल ठीक बोली इसने तो रिस्पांसिबिलिटी है बहुत दफा क्या होता है कि बहुत सारे मर्द हजरात ऐसी चीजों में भी घुस जाते हैं या काम कर रहे होते हैं जो खातन का डिपार्टमेंट होता है बहुत दफा हर फैमिली में होता है कुछ और इससे वो अपना नुकसान कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस एम्प्लॉय के काम में घुस जाएगा ना अपने तो वो डेलीगेशन को पीछे रख देगा और ओवरवर्क करना शुरू कर देगा इसी तरह मर्द हजरा भी ओवरवर्क को ज़्यादा तरजीह देते हैं अपनी खातन को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके कि नहीं जी काम नहीं करेगी ये भाई तुम्हारा फायदा है अगर वो काम करेगी इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको पर्दे से बाहर आना है माशा आप भी काम कर रही हैं आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं इस तरह बहुत सारे लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं जिनकी हाँ, वाइफ को लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं क्यों क्योंकि वो टीम वर्क के तौर पर काम कर रहे होते हैं तो टीम वर्क जितना ज़्यादा बच्चों को दिखेगा उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपस के लोगों को दिखेंगी कि फ़ॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मैं अगर आज जो भी कुछ कर रहा हूँ उसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि उसने बैक स्टेज बहुत सारी चीज़ें संभाली हुई hmm. नहीं संभालती हूँ मैं क्या कर लेता आई एम नॉट सेल्फ मेड मैं नहीं कह सकता मैं सेल्फ मेड हूँ मेरे पेरेंट्स ने जितना मेरा साथ दिया है उसने उतना ही इक्वली मेरी बेगम ने साथ दिया है और हर लोगों ने हर बंदे ने साथ दिया है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बनती बनती हैं तो आपको ये एग्जैम्प्लीफाई करना चाहिए अपने एटीट्यूड से अपने बच्चों के लिए और मारपीट डोमेस्टिक वायलेंस खातन का एहतराम ना करना उनके बारे में जुमले कसना घर में उल्टी सीधी बातें करना तो ये सब बेसिकली घर से ही आता है जिस तरह आप पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं Hmm. बहुत सारी बातें जो पुप्पए खाले आपस में बैठी भी कर रही होती हैं बहुत सारे मर्द मैंने देखे हैं कि बहुत सारे मर्दों के अंदर पुप्पए खाले बसी हुई होती हैं उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं वो बच्चे सीख रहे होते हैं तो वाई डज इट कम लाइक दिस ये चीज़ है कि आपको अपने एग्जाम्पलफाई करना है और कोशिश ये करनी है कि आपके जो भी वर्ड्स हैं वो केयरफुली चोजन और दफ़ा क्या होता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती के अंदर भी एक ऐसी एक सिक लव है जो कि हम बच्चों को बता रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा नहीं मेरे नज़दीक अगर आप सही प्यार करते हैं अपनी बेगम से अपने बच्चों से या बेगम अपने मियाँ से तो हमें उस वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए कि जब हम उनके पास ना हो तो वो सरवाइव कर पाए और ग्रो कर पाएं क्योंकि दुनिया में अगर कोई हकीकत है तो वो सिर्फ मौत है जो एक वाहि हकीकत है वही सब भूल के बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर एक हस्बैंड है अपनी बेगम को उसने इतना डिपेंडेंट किया हुआ अपना और बच्चों को कि वो मर गया बेचारा तो क्या करेगी वो डेफिनेट जितनी खावतन का मसला चल रहा है जितनी खातन इश्यूज़ हैं वो स्किलफुल नहीं है वो तालीमी याफ्ता नहीं है वो अपना कुछ संभाल नहीं सकती तितर बितर हो जाती हैं मतलब माशे के दर पे आ जाती हैं घबरा जाती हैं तो ये तो आप ना करें ना आपकी जिम्मेदारी है कि इतना एम्पावर करें अपने बच्चों को अपनी वाइफ, वाइफ को, को या वाइफ अपने, अपने हस्बैंड को करने दे जो कुछ कर रहा है ताकि आप अगर सर पर ना हो और एक दूसरे के पास ना हो

बड़े हैं उम्र में बड़े हैं डेफिनेटली उनके कुछ मेंटल मॉडल्स हैं आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते आप डिबेट कर सकते हैं आर्ग्यू कर सकते हैं बट वेरी रिस्पेक्टफुली बदतमीजी आप नहीं कर सकते और ना अलाउड है लेकिन आप जितना लाउडर और जितना पॉजिटिव रह के अपनी पेरेंटिंग को बेहतर कर सकते हैं कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को बेहतर कर सकते हैं जो आपके साथ आप समझते हैं कि यह सही नहीं हुई उतना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर दैन द वर्ड्स हमें ज़्यादा जरूरत है एक्शंस की आ, हम अक्सर ये बोलते हैं कि यार उसने ऐसे कर दिया उसने ऐसे कर दिया ये लोकस ऑफ कंट्रोल से बाहर है आपके आपके लोकस ऑफ कंट्रोल में ये है कि आप क्या कर रहे हो उनको रोकना आपका लोकस ऑफ कंट्रोल नहीं है वो तो चलते रहेंगे बाहर ये स्टीफन कवी का जो 7 हैबिट्स ऑफ हैपी पीपल है लेक्चर से बाहर आने वाली हाँ, स्टोरी हो गई है आप कि अब लेक्चर से लेक्षर काम चल गया अब आपको जो है ना

एक बंदे को भी अगर डिफरेंस फील होता है तो हमारे लिए सदका जारी ही है टू कंक्लूड दिस कॉन्वर्जेसन मैं चार पॉइंट्स के साथ जो है ना छोड़ना चाहूँगी ये कि अपने बच्चों को लेबल ना करें उनको प्लीज़ कंपेयर ना करें ताकि उनके अंदर वो सिबले सिबलिंग राइवलरी जनरेट और क्रिएट ही ना हो सके कि उनको फिर बाहर जाके जो है ना एवेन्यूज़ फाइंड करने पड़े उनको सोलेस और एक जो कंफर्ट जोन है ना वो घर के अंदर ही मिले दूसरा ये कि शिक्लफ ना करें और उनको रिस्पांसिबिलिटी दें और उनको रिस्पांसिबल बनाएं नो मैटर इफ दे आर टेन इलेवन ट्वेल्व ट्रस्ट दैम दैट दे कैन डू इट एंड हेल्प दैम अचीव देयर गोल्स एंड एज अ कपल शो दैम दैट टीम वर्क हेल्प्स टू सर्वाइव एंड टीम वर्क एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस चाहे वो उन बच्चों की ग्रोथ हो चाहे वो एज अ कपल एज अ पेरेंट आपकी गोल हो सो लिविंग यू गाइज विद दिस नोट्स जजाक खैर फॉर एवरी थिंगलैक्म